हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले फाइव प्रोस एंड फाइव कॉन्स के बारे में। रॉयल एनफील्ड क्लासिक के 350 सिग्नल्स की BS4 मॉडल है ये, और मैंने इन एक साल के अंदर क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव साइड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है इसका सिटिंग पोजीशन। इसका सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपराइट है और काफ़ी रिलैक्सिंग पोजीशन पर आप बैठते हो। डेली यूज़ के लिए आप इस बाइक को परचेज कर सकते हो और लॉन्ग लाइफ के लिए भी आप इसको ले सकते हो ईजिली इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और इसको आप अगर डेली यूज़ करते हो तब भी आपका बैक पेन या फिर शोल्डर पेन नहीं आएगा, क्योंकि इसका सिटिंग पोजीशन का इतना रिलैक्सिंग है और इसमें बैठ के एक अलग ही फील आता है। सेकंड नंबर पर आता है इसका सस्पेंशन सेटअप, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक और रियर में मिल जाता है कॉयल टाइप सस्पेंशन सेटअप, जो कि काफ़ी अच्छी है और छोटे मोटे पॉटहोल्स हो या फिर बड़े पॉटहोल्स हो काफ़ी ईजी तरीके से एब्जॉर्ब कर जाती है। छोटे पॉटहोल्स आपको पता भी नहीं चल पाते और बड़े पॉटहोल्स को भी इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी झटका आपके बॉडी तक यानी कि शोल्डर या फिर बैक तक नहीं पहुँचता, और इसकी वजह से शोल्डर या बैक में उतनी नहीं होती है इसको राइड करने के बाद। और तीसरे नंबर पर आता है इसका ब्रेक। पहले की रॉयल एनफील्ड में हमें ब्रेक अच्छे नहीं मिलते थे, अभी इनमें डुअल डिस्क दे दिया गया है और इन डुअल डिस्क में भी डुअल चैनल ABS प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं खुद ही 2-3 बार इनके ABS की वजह से सेव हो चुका हूं, तो इनकी जो ABS है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से काम करती है और ब्रेक के रिलेटेड अभी के रॉयल एनफील्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ नंबर पर आता है इसका इंजन। इसका इंजन आप लोगों को पता ही होगा कि 350cc का है, 500cc को डिसकंटिन्यू कर दिया है कंपनी ने। और ये जो 350cc है इसमें हमें 20 BHP और 28 Nm का टॉर्क लगभग मिल ही जाता है, और ये जो टॉर्क आउटपुट है वो 4000 पावर बैंड के अंदर ही आता है, तो काफ़ी इनिशियल ही टॉर्क हमें जनरेट करके देता है ये इंजन। इसकी वजह से दो बंद हो या फिर तीन इसी तरीके से पुल कर जाती है कहीं भी हो, चाहे ख़राब सड़क हो, अच्छी हो या फिर पहाड़ों पर ही क्यों ना हो, काफ़ी अच्छी तरीके से ही निकल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे इसके इंजन के बारे में। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि पॉजिटिव लगा है मुझे, वो है इसका माइलेज। इतनी पावर होने के बावजूद, हालांकि टॉप स्पीड नहीं है, इसकी टॉर्क आउटपुट बहुत ही अच्छी है, इसके बावजूद इसकी जो माइलेज है मुझे लगभग सिटी में 33 से लेकर 35 तक कम मिल जाता है। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है अगर आप अच्छी तरीके से राइड करते हो। आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर पूरी ही डिपेंड करता है। अगर हाईवे में लेकर जाते हो तो 40 से अबव आपको मिलेगा, 40 से लेकर 45 के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो सारे हो गए इसके पॉजिटिव साइड जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इन एक साल के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है इसका सीट। सीटिंग पोजीशन तो अच्छी है पर इसकी सीट की कुशनिंग उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि जो राइडर का सीट है उसकी साइज़ अच्छी है, यहाँ पे आप 2-3 घंटे ईजिली लॉन्ग राइड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और जो पिलियन सीट है वो बेहद ही मतलब कंफर्टेबल, उसमें बहुत ही कम है, उसमें पिलियन 1 घंटा भी बैठ नहीं सकता, इतनी हार्ड है। और अगर आपके घर में लेडीज़ हो तो वो बैठ नहीं सकती, इतनी छोटी सीट है उसकी। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो इसका वो है वाइब्रेशन। आपको आइडियल में वाइब्रेशन महसूस होगा, आइडियल यानी कि स्टार्ट करके छोड़ने पर ही महसूस होगा वाइब्रेशन। और सर्टेन स्पीड में यानी कि जो एक स्वीट पॉइंट होता है सभी इंजन में, उस स्वीट पॉइंट में अगर चलते हैं तो फिर वाइब्रेशन महसूस नहीं होता, पर ज़्यादातर वक्त वाइब्रेशन महसूस होता है। और ये चीज़ कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को अच्छी नहीं लगती है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है, वो आपके ऊपर है क्या आपको अच्छी लगती है और नहीं। तीसरी चीज़ है इसकी टैपिड नॉइस। जिनको नहीं पता है, जो रॉयल एनफील्ड के बारे में उतना नहीं जानते या फिर नहीं है उनके पास, तो वो लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, और जिनके पास है रॉयल एनफील्ड उनको पता ही होगा कि टैपिड नॉइस क्या है। टैपिड नॉइस बेसिकली इंजन से एक नॉइज़ आता है जो कि इसके टैपिड से आते हैं इंजन को ऊपर की तरफ से, और ये सभी रॉयल एनफील्ड के साथ यही प्रॉब्लम है। ये बहुत पहले से ही आ रहा है, अभी तक कंपनी ने इसको सही नहीं कर पाई है। अगर आपने रॉयल एनफील्ड लिया और नहीं परचेस करते हैं, उसके 1-2 महीने बाद या फिर 3-4 महीने बाद ही ये नॉइस आना स्टार्ट धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है और इंक्रीज़ होता जाता है। बाद में 4000-5000 या फिर 10-20 हज़ार चलने के बाद आपको इसमें काम करवाना पड़ता है, तो एक इरीटेटिंग सा नॉइस लगता है मुझे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड के लिए। फोर्थ नंबर पर आता है इसका वेट। 195 kg का इसका वेट है और
सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए काफ़ी मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, और अगर कहीं भी रिवर्स में यानी कि बैक में लेना हो तो भी काफ़ी परेशानी होती है, और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो फिर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आप। फिफ्थ नंबर बात है इसका रस्टिंग इशू। रॉयल इनफील्ड क्योंकि ज़्यादातर पार्ट ही मेटल का बना हुआ होता है तो इसमें रस्टिंग का इशू बहुत ही जल्दी आ जाता है। मैंने खुद ही फेस किया है कि 1 साल के अंदर ही इसके मडगार्ड के नीचे की तरफ रस्ट आना पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से मैंने ब्लैक कलर भी करवा दिया है ताकि रस्ट और ज़्यादा ना हो, तो ये मुझे एक इशू लगा। और जिनके पास क्रोम कलर वाला है यानी कि गन मेटल हो या फिर ब्लैक रेड कोई भी कलर हो जिनमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, तो क्रोम की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो पेंट क्रोम हो या फिर इन सभी चीज़ों में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है रॉयल इनफील्ड की। अभी भी इनके ऊपर काम करना चाहिए रॉयल इनफील्ड को, और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी जल्दी ही रस्ट पकड़ना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप 2 लाख खर्च कर रहे हो एक बाइक के ऊपर और इतनी जल्दी ही रस्ट पकड़ना वो स्टार्ट कर देती है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब इतनी कॉस्टली बाइक है और ऐसी मतलब ऐसी चीप क्वालिटी होना भी नहीं चाहिए। तो ये एक मुझे मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा रॉयल इनफील्ड क्लासिक के बारे में। और एक चीज़ है इसका फ़ीचर, तो हालांकि 5 पॉइंट्स हो गए हैं फिर भी मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा कुछ फ़ीचर नहीं आता है स्पीडोमीटर में। एक स्पीडोमीटर आता है और इसमें मेन जो चीज़ है वो फ्यूल गेज को लेकर है, फ्यूल मीटर को लेकर। इसमें फ्यूल मीटर नहीं आता है। अगर फ्यूल मीटर दे देती कंपनी तो एक कंप्लीट पैकेज होता है हो जाता, और ट्रिप मीटर जो है वो सिंगल ही आता है, 2-3 ट्रिप मीटर हमें इसमें नहीं मिलते। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक के बारे में। अगर आपको इन सभी पॉइंट्स के होने के बावजूद आपको लेना पसंद करते हैं तो लीजिए इस रॉयल इनफील्ड क्लासिक को, परचेस कीजिए। कोई भी इनके अलावा कोई भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, और सभी आपके राइडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा आपको को। और होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल में, अगर नहीं आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ इस वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ।